अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉलीवुड शोबीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब कैरियर से होंगे। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ड्रामा रक्से बिस्मिल, जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इसके पसंद करने की वजह ये भी है कि इसकी कहानी सबसे मुनफरिद है और इसके अंदर काम करने वाले तमाम तरह अदाकारों की एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये कहानी सबसे अलग है जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में रक्से बिस्मिल ड्रामे के तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करने जा रही हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग रक्से बिस्मिल ड्रामे के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है कि एक लड़की को ऐसे दिखाया जा रहा है जिसके अंदर वो ज़ाहरी तौर पर तो नकाब करती है लेकिन असल में वो ऐसी नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि ज़ाहरी तौर पर हमसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या जहर उगल रहा है जो आपके लिए आगे मुश्किल का बाइस बनेगा। हमें कभी भी किसी भी इंसान को ज़ाहरी तौर पर जज नहीं करना चाहिए है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वह इंसान अल्लाह ताला के किस कदर करीब है। जैसा कि फरमाया गया है कि हमें किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, इसी तरह हम देख सकते हैं कि जोहरा के किरदार में वो एक बुर्का पहनती है जिसकी वजह से मूसा उसे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन असल में वो किस तरह की लड़की होती है वो हम देखकर जज कर सकते हैं कि वो किस तरह की लड़की है। इसी तरह जैसा कि आप जानते हैं कि सारा खान टीवी सीरियल्स में बिल्कुल हंसमुख दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में वो इससे बिल्कुल हटके हैं। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हंसी मजाक करते हुए हमें अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी असल ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो क्या किसी को जज करना चाहिए या नहीं, हमसे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।